गुरुरामीति मूर्ति भेद विभागिने व्योम व्याप्त देहाय दक्षिणा सर्वान् विशेषान् शस्यति मधुरभुं मायया भोजयन्नो माया संख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्मयत्तन्नतोऽस्मि। शांति नामक चतुर्थ प्रकरण पर विचार करते हुए अभी ग्रंथ का ये दिखा रहे हैं कि अन्य वादियों के जो सृष्टि के सिद्धांत हैं वो सिद्धांत तो एक दूसरे की मतलब मतवाद को खंडन करने के माध्यम से अपने आप ही खंडित हो जाता है और फलत क्या है पारमार्थिक उत्पत्ति होना संभव नहीं है। इसलिए जगत जैसा स्वाप्निक वस्तु मिथ्या निश्चय करते हैं इसी प्रकार जागतिक वस्तु भी मिथ्या है। कब मिथ्या होगा जब हम माया निद्रा से जग जाएंगे। तो जिस प्रकार जगने के बाद हमें क्या होता है कि जो भी मतलब स्वप्न के समय हम जिस शरीर से व्यवहार कर रहे थे वो शरीर कभी अपना पद नहीं रहता। स्वप्न के समय जिस वस्तु व्यक्ति को हमने मिले थे उस व्यक्ति भी कहता है नहीं मिला था। स्वप्न के समय जिस वस्तु से हमने व्यवहार कर रहे थे वो वस्तु भी मुझको नहीं मिलता। अब इसको बंधन मुक्ति में घटाना है, बंधन मुक्ति में घटाना है। माया निद्रा में सो करके हम स्वप्न देख रहे थे कि मैं स्वामी सर्वानंद हूँ। ज्ञान होने के बाद क्या हो जाएगा इस पहला ये जिस शरीर से मैं स्वप्न देख रहा था मेरा शरीर तो स्तर में पड़ा हुआ है वो शरीर में नहीं हूँ। ठीक इसी प्रकार जिस शरीर से मैं व्यवहार कर रहा था वो मैं नहीं हूँ, मैं तो असंभवपूर्ण व्यापार एक फलत तो इस शरीर से व्यवहार काल में जिस व्यक्तियों से जिस वस्तुओं से मैं व्यवहार कर रहा था वो भी कोई पारमार्थिक वस्तु नहीं है। यहाँ तक गुरु शिष्य भाव जो व्यवहार किसको बतौर स्वब्रह्मचारी से जो साधन की भाव ये सब ही अपने आप अरे मैं तो नित्य मुक्त ही था फिर भी मैं अपने को बंधन की मान्यता दे करके मुक्ति के लिए प्रयास कर रहा था ये अपने आप ही अनुभव में आता है। ये है इसको समझाने के लिए जो श्लोक वैतथ्य प्रकरण में बोल करके आए थे उसी को यहाँ पे दोबारा दोहरा रहे हैं ग्रंथ का। कल हम लोग 34 के ऊपर विचार चल रहा था ठीक है ना 34 नंबर श्लोक पे एक बार पढ़ेंगे। नयुक्तं दर्शनं गत्वा कालस्य नियमात् गतौ प्रतिबुद्धश्च वै सर्वस्तस्मिन् देशे न विद्यते। तो है जिस प्रकार हम सोने के एक मिनट में हम अपने को यहाँ से हजार मील दूर कई हजार मील दूर अपने को प्राप्त करते हैं। तो एक क्योंकि वहाँ तक पहुँचने के लिए जो समय चाहिए व्यवहारिक जगत में वो समय बीता नहीं इसीलिए हमारी गमन जो है सही नहीं है। आनंद के लिए बहुत सुंदर शब्द कहते हैं हम स्वर्ग ब्रह्म लोग को निषेध नहीं करते हैं परंतु ब्रह्म जो व्यापक है पूर्ण है और सब जगह है वहाँ पर जा करके दर्शन करने का क्या आवश्यकता है इसलिए वहाँ तक व्यक्ति प्राप्त हो सके। इसलिए वो जो जा करके दर्शन किया ये भी कोई पारमार्थिक वस्तु नहीं है। कहाँ तक मतलब क्या हो गया उपासना के द्वारा ब्रह्म लोक में जा करके ब्रह्म को प्राप्त किया ब्रह्म को दर्शन किया ये भी कोई पारमार्थिक वस्तु नहीं है किंतु ब्रह्म तो व्यापक तत्व है वो सब ब्रह्म लिंग धातु के अर्थ ही होता है नित्य व्यापक था। तो उस जब आप शब्द अर्थ ही यही है
तब फिर वहाँ पे प्राप्त करने के लिए अलग जगह पे जाना जो है वो एक कल्पना मात्र है। हमने गया था वो मैं एक मिनट में पहुँच गया वहाँ पे। उस पर शास्त्र भी दिखाते हैं छिपे जावत मन एक जन्म मन ध्यान पहुँच जाए सुस्त वहीं पर तब तक वो पहुँच जाता है। वहाँ पे देखिए मार्ग गत एक एक देवता एक देवता से दूसरा देवता इसको करने में कितना समय लगता है परंतु वहाँ पे एक क्षण में पहुँच होता है। श्रुति अपने आप ही ये कहते हैं इसमें कोई पारमार्थिक होता है ये अपने आप ही श्रुति मार्ग से पता लगता है। इसीलिए कल देखो इस टीका को हम लोग पढ़ रहे थे किंच देशस्थ स्वप्न पश्यति प्रतिबुद्ध तस्मिन देश नास्ति जो जिस देश में रह करके स्वप्न को देखते हैं जगने के बाद वो उस देश में नहीं होता इति मिथ्यात्वम अभिष्ट इसलिए स्वाप्निक वस्तु मिथ्या ही अभिष्ट। अब ध्यान देना कि जो कि वर्तमान शरीर देश में रह करके मैं व्यवहार कर रहा हूँ जगने पर इस शरीर देश मेरे को नहीं मिलेगा इसलिए ये शरीर भी मिथ्या है। जब छह नंबर टिप्पणी पढ़ लिए थे कल ना अब आगे देखिए तथा उसी प्रकार से जस्मिन देश जैसा जिस स्वप्न काल में जिस देश में रह करके मैं वस्तु को देखता हूँ उठने के बाद मुझे वहाँ पे नहीं मिलता इसीलिए मैं उसको मिथ्या कहता हूँ। ठीक इसी प्रकार से जस्मिन देशे स्थित संसारम अनुभवती जिस देश में रह करके अब संसार को अनुभव करते ब्रह्म भाव प्रतिपन्न जब आप उस व्यापकता की भाव को प्राप्त कर मतलब अब अपने स्वरूप के प्रति जग जाएंगे जस्मिन देह देशे नास्ती है ना तब उस देह देश में फिर जीवन मुक्त अवस्था में शरीर तो रहता है परंतु वहाँ पे तादात्म्यता बिल्कुल नहीं है। जैसे बोलते तस्मिन देह देशे नास्ति किस कहाँ रहता है वो परिपूर्ण ब्रह्म स्वरूप अवस्थान क्या होता है पूर्ण व्यापक शुद्ध चेतन तत्व में वहाँ पे एकत्व अनुभव होने के कारण वहीं भी विद्यमान रहता है। अतः जागृत भी इसलिए अब देखिए जो ये जो जागृत है स्वप्न की तुलना में जागरण कम सत्य बोलता है परंतु आत्मा के प्रति जागरण की तुलना में ये भी स्वप्न मिथ्या हो जाएगा। इसलिए इसे हमेशा ध्यान रखना वेदांती जगत को मिथ्या बोलते हैं किसके सापेक्ष में आत्मा के सापेक्ष में ब्रह्म के सापेक्ष में व्यवहारिक में मिथ्या नहीं बोलते उसको सापेक्षिक शब्द है। इसलिए तत्व तो जागृत भी मिथ्यात्म इसलिए जागृत में भी मिथ्यात्व धर्म समान धर्म निष्कव्यम ऐसे यहाँ पे अभिष्ट होना चाहिए इति आह इसी को मन में रखते हुए वहाँ पे शुभ सूत्रकार बोलते हैं मतलब श्लोक बोल रहे प्रतिबुद्ध वे सर्व तस्मिन देशे न विद्यते है ना जगने के बाद जो जिस देश में जगह उसमें उसको अपने से भिन्न देश में मिलता है जहाँ पे गया तो वहाँ पे नहीं मिलता है इसलिए वो स्थान मिथ्या है ऐसा मानते हैं। यहाँ पे जो है आपके हमारे पास 7, 8, 9 तीन टिप्पणी दिखाई दे रहा है आपके पुस्तक में 7, 8 और 9 लगभग 6 और 7 एक ही प्रकार की टिप्पणी है। 7 नंबर देखिए जागृतम वस्तु मिथ्या अत दर्शन देशे असत्व अतः मतलब क्योंकि जिस देश में आप लोग को मैं देख रहा था उस देश में अभी मैं नहीं उठा दर्शन देशे असत्व दर्शन देश में विद्यमान नहीं रहने के कारण अतः इसलिए ये साथ हो गया। फिर जागृत अभी जागृत काल वैसे ही मिथ्या है उसको लेकर जागृत अभी जागृतम वस्तु योग पक्ष मिथ्या योग शास्त्र स्व आश्रय अवृत्त ब्रह्मविद दृष्टत्वात् ठीक है ना वो हेतु है तो क्या आप बोल रहे हैं पूरा स्व आश्रय अवृत्ति ब्रह्मविद दृष्टत्वात् जिस जहाँ पे वो खड़े हैं है ना और जहाँ जिस जगह आपके मिथ्या क्यों बोला था जिस वस्तु को जहाँ पे देख रहा है वहाँ पे नहीं रहते हुए देखिए उसको दिखाई दे तब उसको मिथ्या बोलते जो पहले बोल कर गया था देखो कि वस्तुभूत प्रपंचवत देश अवृत्त पुरुष दृष्टत्व वस्तुभूत मतलब जहाँ पे यथार्थ वस्तु है जिस प्रकार हटस्थ रजत दुकान में है वो हटस्थ रजत दुकान में नहीं रहे तो ये भी यदि मुल को दूसरे कहीं जगह पे दिखाई दे तो वो रजत हम मिथ्या कहते हैं। जहाँ पे सच्चा वस्तु है वहाँ पे नहीं रहते हुए भी यदि वस्तु हमको दिखाई दे वो हम मिथ्या कहते हैं। यहाँ पे वही बोलते हैं स्व आश्रय जो वस्तु जहाँ पे है उसके आश्रय में नहीं रहते हुए ब्रह्मविद दृष्टत्व है ना वो ब्रह्मविद्ता पुरुष के द्वारा वो दिखाई देने के कारण वो भी मिथ्या होगा। जद वस्तु देखो उसको व्यक्ति दिखा रहे जद वस्तु जद देश अवृत्त पुरुष दृष्ट जो वस्तु जहाँ पे नहीं है उस जो वस्तु जहाँ पे है उस देश में नहीं रहने वाला पुरुष के द्वारा देखा जाता है जो वस्तु जिस देश में है उस देश में नहीं रहने वाला पुरुष के द्वारा यदि वस्तु को देखा जाता है तो वो वस्तु मिथ्या होती है।
इसलिए बोलते हैं जद वस्तु जद देश अवृत्त पुरुष अधिष्ट तद वस्तु मिथ्या है ना। ये व्याप्ति को ध्यान रखना, तब जा करके अब क्या होगा, जद वस्तु जद जिस देश जो वस्तु जिस स्थान में है उस स्थान में नहीं रहते हुए भी उस वस्तु को दिखाई देने के बाद वो वस्तु को मिथ्या बोलते हैं, ठीक है ना। तो जो वस्तु इस भौतिक अब अपने भी बोलेंगे समझा देंगे आप, देखिए यथा रजतव देश अवृत्त दृष्टम सुप्ति रजतम इति अनुमानम अत्र अभिप्रतम। रजत वाला जो देश है ना, उस देश में रजत वाला देश मतलब अच्छा सही रजत जिस दुकान में, उस देश में नहीं रहते हुए जब उसको देखा जाता है कौन, जब सुक्ति का ऊपर रजत देखा जाए सुक्ति रजत इति अनुमान। अब यहाँ पे जो है वो दृष्टांत है, ये अनुमान यहाँ पे समझ लेना चाहिए। ये रजत ये है दृष्टांत, हाँ ये दृष्टांत है रजत न, यहाँ पे दृष्टांत तो पूरा है कौन सा, जद वस्तु जद देश अवृत्त पुरुष दृष्टम तो मिथ्या है, यथा दृष्टांत यथा रजत देश अवृत्त दृष्ट सुक्ति रजत ये अनुमान, ये आपका दृष्टांत हो गया, ये दृष्टांत हो गया। यथा यहाँ से बोला जैसे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे यथा रजतवत देश अवृत्ति दृष्टम, रजत वाला देश में नहीं रहते हुए भी दिखाई दे रहा है जो रजत, को कौन सा रजत है सुक्ति के ऊपर रजत, वो रजत जो है मिथ्या होता है, ये अभिप्रेत है। ये हो गया आपका दृष्टांत में समझा दिया, अब दृष्टांत में कहाँ घटाना है, ज्ञानी पुरुष में घटाना है, है ना। कहने जब होता है ब्रह्म विद स्वमहिम महिमनी प्रतिष्ठित तेन, ब्रह्मविद्ता पुरुष कहाँ पर प्रतिष्ठित है, अपने स्वरूप में अपनी महिमा प्रतिष्ठित है, और उस देश में प्रतिष्ठित होकर के और उसको क्या है, वो अभी जागृत देश में नहीं है, तो मतलब भूतल में नहीं रहते हुए भूत अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रहते उसको भूतल दिखाई दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा भूतल का पुस्तक। जिस प्रकार दुकान में सोने की दुकान में चांदी के दुकान में नहीं रहते हुए यदि उसी प्रकार सोना चांदी कहीं आपको दिखाई दे तब वो वस्तु मिथ्या है। अब ब्रह्मवेत्ता पुरुष अपने महिमा में प्रतिष्ठित होते हुए आज जो है भूतल में नहीं है, मतलब जहाँ पे शुष्क है सृष्टि तल में नहीं है, व्यापकता में विद्यमान है, उसको यदि वो दिखाई देता है प्रतिभाष प्रतिभाष मात्र है वो वस्तु मिथ्या है। इसलिए जगत दिखाई दे रहा है इसलिए सत्य ये बात नहीं है, इसलिए मिथ्या है। इसलिए आप देखिए ब्रह्म विदः स्वमहिम्नि प्रतिष्ठितत्वेन जागृत वस्तु मति भूतलादौ वृत्ति अभाव। देखिए ब्रह्मवेत्ता पुरुष अपनी महिमा में प्रतिष्ठित रहने के कारण ब्रह्मविद स्वमहिम्नि प्रतिष्ठितत्वेन, ब्रह्मविद कहते हैं भूमाकस्मिन् प्रतिष्ठित से महिम्नि प्रतिष्ठित जो जद वा न महिम्नि, अथवा उसका कोई महिमा ही नहीं है, अथवा अपनी महिमा इस ब्रह्मवेत्ता पुरुष उसमें प्रतिष्ठित होने का जागृत वस्तु मति, मतलब जागृत वस्तु जहाँ पे वाला मति, मतलब यहाँ पे वाला सप्तम एक वचन है जागृत वस्तु मत, जागृत वस्तु मत के सप्तम एक वचन है जागृत वस्तु जिस स्थान में दिखाई दे रहा है कौन भूतल आदो जुमेर में वहाँ पे नहीं है वृत्ति अभाव, वहाँ पे उसका वृत्ति नहीं होने के होते हुए भी उसको दिखाई दे रहा प्रतीत हो रहा है। इसलिए न हेतु विशेषण असिद्ध, इसलिए हेतु में जो विशेषण दिया ना आश्रय अवृत्त ब्रह्मविद है ना, इस प्रकार दृष्टत्वास है ना, आश्रय हेतु क्या दिया था जागृत वस्तु मिथ्या, हेतु क्या है स्व आश्रय अवृत्त ब्रह्मविद दृष्टत्व, यहाँ पे ब्रह्मविद दृष्टत्व ये तो हो गया आपका मुख्य, उसका विशेषण भाग क्या है स्व आश्रय अवृत्त, उस आश्रय में नहीं रहते हुए ब्रह्मवेत्ता पुरुष के द्वारा दिखाई देने का, इसलिए ये जो विशेषण भाग दिया ये विशेषण भाग अनर्थक नहीं है, विशेषण भाग सार्थक है। मतलब पहले हमारे ये अलिकाकार ने बोला था विमता मिथ्या दृश्यत्वात् जड़त्वात् परिणामित्वात्, तब यहाँ पे बोल रहे हैं कि दृश्यत्व में थोड़ा विशेषण जोड़ दिया, मतलब जो वस्तु जहाँ पे है वहाँ पे नहीं रहते हुए भी यदि वो दिखाई देता है तब वो मिथ्या है। इसीलिए ब्रह्मवेत्ता पुरुष जो है अपने स्वरूप में रहते हुए भी अब जो है भूतल में नहीं आ जाए मिथ्या प्रतीति हो रहे हैं प्रतिभाष हो रहा है। जिस प्रकार स्वप्न काल में हम बॉम्बे अथवा दिल्ली में नहीं रहते हुए वहाँ वहाँ पे वस्तु आपको प्रतीति होती है, हम निर्णय क्या करते हैं वो वस्तु मिथ्या है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी ब्रह्मवेद स्वमहिम्नि प्रतिष्ठित जागृत वस्तु मत, जागृत वस्तु वाली है ना जो भूतल है, तो भूतल आदो वृत्ति अभाव, वहाँ पे वृत्ति नहीं है, कहाँ पे जो अपने जो जहाँ पे है वहाँ पे वृत्ति नहीं है, वृत्ति कहाँ पे है विद्यमान तो कहाँ पे है अपने में है स्वरूप में है, इसलिए वो हेतु में विशेषण असिद्ध है ये नहीं कह सकते हैं, विशेषण की उपयोगिता है। ये तो पूरा टिप्पणीकार का ही है, आपने आप समझा दिया उसको उपयोगिता को समझा दिया।
और आठ नंबर टिप्पणी हो गया। अब नौ नंबर मिथ्यात्म इष्टव्यम मतलब अभिष्ट है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हनुमान, जागृत प्रपंच मिथ्या व्यभिचारित्वा स्वप्न प्रपंच इति यह अपि अनुमेयम है ना। जागृत प्रपंच मिथ्या है, क्यों व्यभिचारित व्यभिचार करता है, क्या व्यभिचार करता है, जागृत के वस्तु कुछ भी स्वप्न में अथवा सुषुप्त में काम में नहीं आता। कौन वस्तु काम आता है, जागृत का कुछ भी काम नहीं आता, तो उसमें एक वस्तु व्यभिचार नहीं करता, वो कौन है, जागृत वस्तु अधिष्ठान, ठीक बोला आपने, वो व्यभिचार नहीं करता। जागृत का भी जो दृष्टा है, क्योंकि जो व्यक्ति मैं जग करके इंद्रिय की तरह देख रहा था वही मैं स्वप्न देखा उसी वस्तु को, और फिर वही मैं सुषुप्त दिशा में कुछ भी नहीं देखा, तो व्यभिचार कौन किया, जागृत वस्तु स्वाप्निक वस्तु सुषुप्त वही व्यभिचार कर रहे हैं, परंतु देखने वाला की व्यभिचार इतना, इसलिए वो मिथ्या नहीं, इसलिए मिथ्या नहीं। ब्रह्म भी तो सम्मोहिनी प्रतिष्ठित जब हो जाएगा तब अधिष्ठान क्या रहे, वो अपना ही अधिष्ठान है उसका, मैं स्वयं का अधिष्ठान हूँ, अब दुष्ट कहाँ से अधिष्ठान होगा, तो स्व बोला ना, स्वमहिमा एक ही है, दो तो है नहीं, इसीलिए उसको इस शब्द को बोल करके पूछा ब्रह्मा किसमें प्रतिष्ठित है, बता अपनी महिमा में प्रतिष्ठित, फिर अपने आप ही संत कुमार बोल रहे हैं कुछ भी महिमा नहीं है उसका, कुछ भूमा शब्द भूमा विद्या में ना शब्द को वहाँ पे नारद कुमार नारद ऋषि ने पूछा शरद कुमार को ये भूमा किसमें प्रतिष्ठित है, तो बोलता अपनी महिमा में प्रतिष्ठित है, यदि वह न महिमनी मतलब कोई महिमा नहीं है उसका, कुछ भी महिमा नहीं है, यदि वह मतलब यदि ऐसा यदि वो मत लगेगा तब तो तब सब कुछ उसी को बोले, कुछ भी नहीं है वहाँ। नारद ने पूछा था क्या, पूछा था महिमा किसमें प्रतिष्ठित है, हाँ ये वो किसमें, ये भूमा किसमें प्रतिष्ठित है, भूमा किसमें प्रतिष्ठित है, तब जैसे हमें क्या दिखाई पड़ता है, घरा कहाँ प्रतिष्ठित है, भूतल में प्रतिष्ठित है, इस प्रकार भूमा वो किसमें प्रतिष्ठित है, हर जगह पे ही दिखते हैं, जिस प्रकार गार्गी पूछी थी ये जल पृथ्वी किसमें प्रतिष्ठित है, जल किसमें प्रतिष्ठित है, वायु इस प्रत्येक प्रत्येक करते ब्रह्म लोग, फिर आकाश तक जाने के बाद आकाश किसमें प्रतिष्ठित है, अक्षर में प्रतिष्ठित है, पहले तो जगवल कृष्ण बोलते है हनुमान के ऊपर मत पूछ सर गिर जाएगा, तब बताया नहीं पूछा, उसका कोई प्रतिष्ठा नहीं है, ये तो कोई अक्षर अंगार भी ब्राह्मण अभिवादन कैसा कर बोलते, इसी प्रकार यहाँ भी ये नारद ऋषि भी महाराज अगर कोई पूछ लिया कितना दर्श क्या है, नहीं नहीं जानने के कारण पूछ सकते हैं, पर तो कह ये नहीं क्योंकि वहाँ पे शास्त्रार्थ हो रहा था, वहाँ पे आप उनको हराने का इच्छा से प्रश्न पूछ रहे हैं वहाँ पे गलत हो जाएगा, और यदि अज्ञान से पूछते हैं जानने के लिए तो कोई गलती नहीं, मतलब उसको इसलिए नारद ऋषि को सनत कुमार ने उत्तर दिया, नारद कुमार को भूमा के बारे में तो जिसको अक्षर तत्व के द्वारा जागरूक ऋषि ने कहा गार्गी को जो उत्तर दिया उसी को भूमा सनत के द्वारा बोला जा रहा है, वहाँ पे गार्गी ने और नहीं पूछा, पर तो नारद ऋषि पूछा तो पूछा क्यों पूछा, क्योंकि उनके पास पहले ही गया था कि मैं आपसे जानने के लिए आया, मैं षोड़श कला विद्या का ज्ञाता होते हुए भी मैं शोक करता हूँ, मेरा भी शोक नारद ऋषि बोले षोड़श कला विद्या का ज्ञाता होते हुए भी मैं जो है फिर भी शोक करता हूँ, श्रीनंत में भगवत दृश्य तरत शोकम आत्म आप ही जैसा महापुरुष से मैंने सुना कि आत्मविद्या पुरुष शोक सो हम भगवान शोक से पार होता है, तो इसलिए भगवान आप मेरे को शोक के पार जाने के लिए क्या हुआ वो बताइए, छंद को पुरुष के शब्द माध्यम है ऐसा करते करते ये जो शब्दों से लेकर के नाम करते करते प्राण प्राण के बलों से चाहे सृष्टि होगा नहीं, फिर उसके बाद ले गया भूमा पे, भूमा पे ले जाने के बाद ये किसमें प्रतिष्ठित है, जैसे प्राण किसमें प्रतिष्ठित है, वाणी किसमें प्रतिष्ठित है, मन इस प्रकार एक एक करके तो वो किसमें होता है, बेचारा नहीं जानता था उसमें कुछ नहीं बोला, वो जो है अपनी महिमा में प्रतिष्ठित है अथवा उसका कोई महिमा ही नहीं है, विशेष है वो अपने में प्रतिष्ठित है ऐसे वहाँ, इसी प्रकार ब्रह्मविद स्वमहिमनी प्रतिष्ठित तेना जागृत वस्तुमति, जागृत वस्तु जिस स्थान में है भूतलादो, दोनों शब्द में एक वचन है ना, जागृत वस्तुमति भूतलादो, जागृत वस्तु वाला जो भूतल है वहाँ पे वृत्ति अभाव मतलब संसार संबंधित वृत्ति ब्रह्मविद का पुरुष के मन में नहीं रहते हुए भी संसार की प्रतीति रह जाता है, रह जाता है जो मूर्त अवस्था में, इसीलिए इसको मिथ्या कहते हैं हेतु विशेषण असिद्ध न हेतु के विशेषण न हेतु विशेषण हेतु में जो विशेषण भाग दिया गया वो जो है असिद्ध नहीं है, इष्टव्यमिति जागृत प्रपंच मिथ्या नौ नंबर टिप्पणी जागृत प्रपंच मिथ्या है क्यों व्यभिचारित जागृत प्रपंच व्यभिचार प्रत्याय में मैं घूम गया था
देखो जागृत काल में आप जो है इंद्रियों के माध्यम से स्थूल वस्तु देखते हैं, स्वप्न काल में आपने मन के माध्यम से प्रातिभाषिक वस्तु को देखते हैं, और सुषुप्ति काल में आपने मन बुद्धि सब को छोड़ करके अपने 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 आप में अपने को अनुभव करते हैं, आप आनंद के अनुभव करते हैं, अपने अज्ञान को देखते हैं। तीनों जगह पे दृष्टा की व्यभिचार नहीं है। जो दृष्टा जागृत काल में इंद्रियों के माध्यम से स्थूल वस्तु को देख रहा था, वही दृष्टा स्वप्न काल में मन के माध्यम से अपने वासना संबंधित प्रातिभाषिक वस्तु को देख रहे, वही दृष्टा सुषुप्ति में जाकर के शरीर और इंद्रियों के साथ आगात्मा जोड़ करके अपने द्वारा अपने अज्ञान को देख रहे हैं और आनंद कर रहे हैं। क्यों? शरीर के साथ आगात्मा जोड़ने के कारण स्वरूप आनंदमय है और अपने अज्ञान पक्ष ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं। तो देखो दृष्टा की व्यभिचार नहीं है। आप बोले सुषुप्त में दृष्टा कहाँ पे, आपको उस समय अभिव्यक्त नहीं होता, परंतु जग करके आप बोलते हो अनुभव के बिना स्मृति होना संभव नहीं है, यानी कहाँ का अनुभव करता था। इस प्रकार से अब व्यभिचारी तत्व देखो तीनों अवस्था में एक है, और व्यभिचारी तत्व है ये व्यभिचार करता विशेषण, इसलिए ये मिथ्या है और ये सत्य है, बस इतना ही मात्र है वेदांत में। इसलिए बोलते हैं जागृत प्रपंच मिथ्या व्यभिचारित्व स्वप्न प्रपंच, स्वप्न प्रपंच का विचार करता है, स्वप्न प्रपंच जागृत में काम आता है और सुषुप्त में काम आता है। इसलिए यह अभी अनुमेय ऐसा यहाँ भी समझ लेना चाहिए, ठीक है। अब श्लोक से तात्पर्य अर्थम कथयति, इस श्लोक में अभिप्रेत अर्थ क्या है उसको भगवान भाष्यकार बोलते हैं। अभी तक तो टीका कर अपने आप श्लोक का अर्थ समझा दिया, टिप्पणी कर बहुत सुंदर तरह से और खोल दिया इसको। अब जागृत में आइए भाष्य में, जागृत गति आगमन काल, जागृत काल में जो गमन आगमन के लिए जो काल होता है ना, नियत देश के कोई एक निर्दिष्ट देश में जाने के लिए प्रमाणत सिद्ध जो होता है, जब तस् अनियमान उसका नियम पालन नहीं होता स्वप्न में। जागृत काल में कोई एक निर्दिष्ट देश में जाने के लिए जितना समय लगता है स्वप्न में वह भी जल हो जाता है। इसीलिए जो है तस् अनियमान नियम मतलब अनियम मतलब कालस अनियमान गत इसका अर्थ कर रहे भाषण का, तो मतलब नियमस अभाव उसके नियम का अभाव होने के कारण स्वप्ने न देशांतर गमनम, स्वप्न में देशांतर नहीं गया। इति अर्थ सेकंड लाइन तो हमें पहले ही बोल कर कहा था कि क्यों नहीं गया कि कूट कर वहाँ पर जिस वस्तु को मिला था जिन व्यक्ति को दोस्त को वो उसको मिलता नहीं है, इसलिए वो नहीं गया वहाँ। ये तो पहले मतलब वैतत्व प्रकरण के द्वितीय श्लोक में ये बोल कर कहा, इसलिए यहाँ पे नहीं बोल पाया। अभी जागरित जागरित गत्यागमन काल नियत देश, यानी उसके ऊपर टिप्पणी है जी, देश के ऊपर टिप्पणी, देश स्वप्ने ही काश्याम अस्मि इति अनुभवन, स्वप्न में क्या देखा, मैं उत्तर काशी में हूँ, काश्याम अस्मि शिवरात्रि के दिन जग के उठ के देखा मैं उत्तर काशी में हूँ ना, तब आपको स्वप्न में आपको काशी में बनारस में देखना पड़ेगा। स्वप्न में आपने देखा, स्वप्ने ही काश्याम अस्मि इति अनुभवन माथुरम पश्यति, है ना, काश्यम फिर तुरंत देखते कि मैं मथुर देश मथुरा में हूँ, माथुरा मतलब मथुरा संबंधी देश में पश्यति थी न तत्र देश नियम, या फिर इसलिए वहाँ से वहाँ जाने के लिए जो नियम होता है तुरंत चला जाता है, एक मिनट में काशी में सोया मथुरा में पहुँच गया, फिर मथुरा से फिर बनारस पहुँच गया, फिर ना जाने कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं। अन्यथा माथुरम अवलोकयता मथुरायाम अस्मि, मतलब यदि ऐसे ही होता तब क्या होता है, मथुरा संबंधित वस्तु को देखने वाला व्यक्ति को माथुरम अवलोक या देखने वाले व्यक्ति के द्वारा मथुरायाम अस्मि इति वा अनुभवनीय, तब उसको क्या अनुभव होता जा करके मैं मथुरा में हूँ। परम नैव इव नियम परंतु ऐसा नियम नहीं देखा जाता, परम नैश नियम परंतु ये नियम नहीं देखा जाता इति अर्थे विपरीत अर्थ है। मतलब देश देश संबंधित क्या है कि जिस देश में पहुंचने के लिए जितना समय चाहिए उतना समय व्यतीत होने से पहले ही मैं उस देश में पहुंच जाता हूं और फिर तक संबंधित वस्तु को देखने लगता हूं, इसीलिए उस वस्तु में मतलब काल नियम के अभाव होने के कारण भी स्वप्न मिलता है, देश नियम का अभाव होने के कारण भी स्वप्न मिलता है। महाराज बोल रहे थे आठ है ना, दृश्यत्वात् जड़त्वात् अयथार्थ कालत्वात् अयथार्थ देशत्वात् आठ है, विकारित्वात् परिच्छिन्नत्वात् विकारित्वात् परिच्छिन्नत्वात् सब यहाँ पे आया हुआ है, सब यहाँ पे अलग अलग जगह पे दिया हुआ है। हो गया इसका, अब जो है इसमें कुछ नहीं बचा ना, 34 पूरा हो गया, अब जो है अब और एक बहुत और बहुत सूक्ष्म चीज को बताएंगे आप।
बोलते हैं किंच टीका में लिखिए किंच यथा स्वप्ने विसंवादात अप्रमाण इष्टम। जिस प्रकार स्वप्न काल में विरुद्ध संवाद, मतलब मैंने किसी के साथ संवाद किया, बातचीत आदि किया, परंतु उठ कर को नहीं मिलता है वो बातचीत मुझको, मतलब विरुद्ध संवाद, झगड़ा ना, अभाव हो जाना, विरोध हो जाना यहाँ पे। अथवा यदि विसंवाद मतलब किसी के साथ झगड़ा झुगड़ा हुआ, वो भी आपको नहीं दिखाई दिया उठ करके। स्वप्न में देखा मैंने बहुत समीर के साथ लड़ाई किया, सुबह उठ करके दोनों फिर एक साथ आ रहे हैं। तो ये जो है ये इसको किसके कारण से किंच यथा स्वप्ने विसंवादात, तीन नंबर देखो बोल रहे विसंवाद मतलब विसंवादात, तीन नंबर टिप्पणी, स्वप्न ज्ञानम अप्रमात्मकम। स्वप्न में जो ज्ञान होता है वो प्रामाणिक ज्ञान नहीं है, क्यों स्वप्न स्वप्न संबंधी, स्वप्न ज्ञानम अप्रमात्मकम, स्वप्न संबंधी जो ज्ञान है वो प्रमा ज्ञान नहीं है, क्यों विसंवादात, मतलब वो फिर उठ करके वैसा वस्तु नहीं दिखाई देने कारण। जब जैसे सुक्तो इदम रजतम इति ज्ञानवत है ना, सुक्तिका में ये रजत है इस प्रकार के ज्ञान के समान, इति अनुमानम अत्र विवक्षितम है ना। स्वप्न ज्ञानम अप्रमात्मकम, स्वप्न में देखे हुए जो भी कोई ज्ञान होता है, जो भी कोई वस्तु संबंधित ज्ञान, विषय संबंधित ज्ञान कुछ, वो प्रामाणिक नहीं होता, अप्रमात्मक अप्रमा उत्पन्न नहीं करता, क्यों विसंवादात, उसको उसका विरोध दिखाई देता है, अतः उसका अभाव दिखाई देता है। जैसे सुक्तो इदम रजतम, सुक्तिका में ये रजत है इति ज्ञानवत है ना, सुक्तिका में ये रजत है इस प्रकार के ज्ञान, जैसे ही हम जगते हैं तो वहाँ पहुँचते हैं वो ज्ञान नाश हो जाता है, विरुद्ध हो जाता है, इसलिए इति अनुमानम अत्र विवक्षितम। अब बोलते अत्र विसंवादात इति अस्य, अब ये विसंवाद से क्या लेना है आपको, अत्र विसंवादात जो हेतु दिया, इति अस्य जागृत प्रमा बाधित विषयकत्वा, ठीक है, जागृत ज्ञान के द्वारा जो बाधित हो जाता है इस प्रकार विषय वाला होने के कारण स्वप्निक ज्ञान मिथ्या है। जागृत ज्ञान के द्वारा बाधित हो जाने के कारण स्वप्निक ज्ञान मिथ्या है, ये हो गया विसंवाद शब्द का अर्थ, ठीक है ना। विसंवाद अत्र विसंवादा, यहाँ से हेतु दिया इति अस्य, इस शब्द का अर्थ क्या है, जागृत प्रमा बाधित विषयकत्व, जागृत प्रमा के द्वारा बाधित होने वाला विषय होने के कारण, जागृत प्रमा के द्वारा, जागृत ज्ञान के द्वारा बाधित होने वाला विषय होने के कारण स्वप्निक ज्ञान भी पारमार्थिक नहीं है, स्वप्न पारमार्थिक नहीं है, इति अर्थ अवगंतव्य, ऐसे अर्थों को यहाँ पे समझना चाहिए, ऐसे विसंवाद शब्द का ऐसा अर्थ समझना चाहिए, मतलब जो किसी के द्वारा बाधित हो जाता है। तो किंच यथा स्वप्ने विसंवादात अप्रामाण्यम इष्टम तथा जागृति अपि, अब देखिए जागृत प्रपंच मिथ्या, जागृति अपि क्या होता है, परम से आप दो मुमुक्षु साधक मिला तो आपस में क्या बात करते हैं, देखो भाई इस शरीर में जो है मुक्त होना है, इसे तो परम से अस्माभिर साधन है, हम लोगों के द्वारा इस शरीर में मुक्त मुक्ति के लिए प्रयास करना, साधन करना है, सिद्ध करना उसको, परम से अस्माभिर साधन अभिति स ब्रह्मवादी भी सह समालोच्य, कमा कर देना सह, वहाँ पे दो टिप्पणी का दो प्रकार से अर्थ करेंगे, सह वहाँ पे जो है विसर्ग, स वो व्यक्ति ब्रह्मवादियों के साथ, मतलब ब्रह्म तत्वता जानने वाले महर्षि समालोच्य का बात कम देंगे, हाँ समालोच्य मतलब विचार करके, ठीक है ना, विचार करके मतलब क्या होगा, एवं स ब्रह्मवादी भी सह समालोच्य। अच्छा ये जो है सब्रह्मवादी एक स को अलग करेंगे और ब्रह्मवादियों के साथ है ना, स समालोच्य मतलब विचार करके, अविद्या निद्रा तो प्रतिबुद्ध हो, जब अविद्या निद्रा से जाग जाता है फिर क्या सोचता है, नैव श्रेय साधत्तम अलचितम प्रतिबद्धते, अरे जिस श्रेय को हमने प्राप्त कर लिया ये तो गलत हो गया, वो श्रेय किसी ने मैंने कभी विचार किया कि सब स्वप्न ही ऐसे लगता है, क्योंकि अमित निषिद्ध बुद्ध मुक्त है, फलत उसके लिए फिर दोबारा हमको किसी करना, हम जो है मतलब ऐसा हो रहा था कि जहाँ पे पानी के बिना तालाब में हम लोग तैर रहे थे, पानी के बिना तालाब में हम लोग तैर रहे थे, क्यों शुद्ध एक आत्मा व्यापक चेतन तत्व है, वहाँ पे कोई भिन्नता है ही नहीं, कौन किससे बात करेगा,
कौन किससे उपदेश प्राप्त करेगा, ज्ञान होने के बाद ऐसे ही होता है, तो ऐसे उनको लगते हैं अरे ये सब जो है मिथ्या ही था, वो कुछ सच्चे नहीं है। इसीलिए श्रेय अस्माभि साधनीय इति चार नंबर टिप्पणी, स ब्रह्मवादी भी सह समालोच्य अविद्या निद्रातः प्रतिबुद्धौ नैव श्रेय साध्यत्वम् आलोचितम् प्रतिपद्यते। ये श्रेय साध्य वस्तु नहीं है ऐसा उसका अपने आप समझ में आ जाता है। हैं अब देखिए चार नंबर टिप्पणी में, स विचारशील मुमुक्षु हो, ठीक है ना, वो विचारशील मुमुक्षु स ब्रह्म इत्यादि एकम व पदम, अथवा दूसरा कहते हैं स को अलग कर दिया, एक 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 अर्थ क्या किया, स को अलग कर दिया, स का अर्थ क्या कर दिया, विचारशील मुमुक्षु, और दूसरा अर्थ क्या, स ब्रह्म, मतलब स ब्रह्म मतलब स ब्रह्म इत्यादि एकम व पदम, सह विचारशील इति तदर्थ मतलब स शब्द का वो विचारशील व्यक्तियों के साथ, इस प्रकार पुत्रेण सह क्या बोलेंगे, सपुत्र, पुत्रेण सह देवदत्त ग्रामं गच्छति, पुत्रेण सह देवदत्त ग्रामं गच्छति अर्थ क्या हो गया, सपुत्र ग्रामं गच्छति, सपुत्र देवदत्त ग्रामं गच्छति। इसीलिए यहाँ में सशब्द अर्थ सह भी है, दोनों उसे भी हो सकता है, इसीलिए बोलता है सह ब्रह्म इति इत्यादि एक पदम, वहाँ पे दो पद भी हो सकता है, सह ब्रह्मवादी भी सह, परंतु क्या हो जाएगा, सह विचारशील, तब क्या हो गया, ब्रह्मवादी व्यक्ति विचार विचारशील व्यक्ति उनके साथ जो आलोचना करके, शब्द ब्रह्मवादी का अर्थ क्या हो जाएगा, विचारशील व्यक्ति होकर मुमुक्षु साधक आपस में विचार करते हैं कि कैसे इस जन्म में ही मैं मुक्त हो सकता हूँ, इस प्रकार विचार का समालोच्य है ना, विचारशील इति अर्थ। फिर आया देखिए फिर आगे क्या हो गया, अविद्या निद्रात प्रतिबुद्धो, अज्ञान रूपी निद्रा से जग जाने पर, ठीक है, अविद्या निद्रात प्रतिबुद्धो, अज्ञान रूपी निद्रा से जग जाने पर, मतलब अज्ञान हो गया, फिर क्या बोलते हैं, नैव श्रेय साध्यत्वम, अरे इसलिए तो कोई साध्य वस्तु नहीं है, ये तो सिद्ध वस्तु है, साध्य वस्तु के लिए तो साधन चाहिए, सिद्ध वस्तु के लिए क्या साधन की करोगे, नित्य सिद्ध वस्तु है, नैव श्रेय साध्यत्वम इति आलोचितम ऐसा निश्चय प्रतिपद्यते, ऐसा उसको समझ में आ जाता है। तो पांच नंबर टिप्पणी, श्रेय साध्यत्वम इति मोक्ष न साध्य सिद्धत्वात् उत्पन्न घटादिवत् इति प्रयोग अत्र फलितः, मोक्ष कोई साध्य वस्तु नहीं है, मोक्ष न साध्य क्यों, सिद्धत्वात् नित्य सिद्ध होने के कारण, जैसे उत्पन्न हो गया जो घट, वो घट फिर दोबारा उत्पन्न नहीं हो सकता, उत्पन्न हो गया जो घट उसको फिर दोबारा उत्पत्ति नहीं किया जा सकता, इसलिए बोलते हैं कि उत्पन्न घटाधिपत जो भी कोई वस्तु विद्यमान वस्तु उसका दोबारा विद्यमानता नहीं होता, इस पर सिद्ध वस्तु मुक्ति नित्य सिद्ध है तो वो फिर दोबारा कहाँ उत्पन्न करेगा, तो यह अभिप्राय इति अत्र प्रयोग प्रयोग अत्र फलित, ये अनुमान यहाँ पे फलीभूत हो जाता है। प्रतिपद्यते शब्द का अर्थ क्या रहता है, जानाती मतलब उसको समझ में आ जाता है, समझ में आ जाता है। अब इसी को देखिए टीका में पहले आपको श्लोक को पढ़ते हैं, देखिए इसी को, मित्रादहिर सह सम्मंत्र, मित्रादहिर सह सम्मंत्र, संबुद्धो न प्रपद्यते, संबुद्धो न प्रपद्यते, गृहीतं चापि यत्किञ्चित्, गृहीतं चापि यत्किञ्चित्, प्रतिबुद्धो न पश्यति, प्रतिबुद्धो न पश्यति, मित्राग्रहि सह सम्यंत्र, संबुद्धो न प्रपद्यते, गृहीतं चापि यत्किञ्चित्, प्रतिबुद्धो न पश्यति। मित्र गुरु भाई बहन सब किसी के साथ भी, जो भी अपने ब्रह्मचारी सहकर्मी उन लोग किसी के साथ साथ सह मतलब साथ सम्मंत्र मतलब आलोचना करके, सम्यक रूप से आलोचना करके जो भी कुछ उसने निर्णय किया था, संबुद्ध मतलब जब जग जाता है न प्रपद्यते, फिर जब उसको नहीं पाता, इसके साथ मैंने जिस प्रकार मैंने स्वप्न में देखा कि कल इंद्रमंत्र हुआ कैसे ऐसा हुआ, जगने के बाद मुझे यहाँ भी नहीं मिलता, और उससे जिस मित्रों अथवा दोस्तों से हमें जो भी कुछ वस्तु प्राप्त हुआ था, किसी मित्र ने मेरे को बहुत बड़े एक सोने का सुंदर हार अथवा हमारे यहाँ पे क्या होगा एक मुखी रुद्राक्ष प्रेजेंट में दिया था, इतना महंगा वस्तु, मैं तो उठ करके जब देखता हूँ कुछ भी नहीं है, ढूंढने को भी नहीं मिलता, तो गृहीतम जब चापि यत्किंचित है ना, जो भी कुछ हमने मित्रों से ग्रहण भी किया था, प्रतिबुद्ध न पश्यति,
जगने के बाद उसको नहीं दिखाई देता है। अब ग्रहण बाह्य वस्तु भी हो सकता है, फिर उपदेश आदि भी हो सकता है, उपदेश आदि भी हो सकता है। उपदेश का आवश्यकता क्या था कि मैं मुक्त हो जाऊंगा। मंडूक मतलब मंडूक काय का किस हाईएस्ट सबसे ऊपर वाला चीज है। तो यहाँ पे जब आपको ज्ञान हो जाएगा, आप जानेंगे कि मैं पूर्ण एक व्यापक तत्व, दूसरा कोई यहाँ पे है नहीं, तभी उपदेश आदि भी क्या, ये भी मिथ्या ही था, ये भी मिथ्या ही था। परंतु ये है कि जैसे बोलते हैं कि एक कांटा के दूसरे कांटा निकाल कर उसको फेंक देते हैं, इसी प्रकार सापनिक वस्तु को, सापनिक शेर को मारने के लिए आप लोग, आपको स्वप्नों का ही लट्ठी चाहिए। स्वप्नों की लट्ठी के तरह ही हम उसको, यदि आप व्यवहारिक लट्ठी लेंगे तो हमारा अपना हाथ पैर टूटेगा, क्योंकि तो पैर नहीं तो मारेंगे उसको। तब तो इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं कि वो प्रतिबुद्ध न पश्यते, मतलब वो जगा हुआ व्यक्ति उसको नहीं देखते। टिप्पणी का एक नंबर टिप्पणी बोलते हैं, सह स ब्रह्मचारी भी मुमुक्षु भी ब्रह्मवादी भीर वा मित्रादि, तृतीय वो वचन है, मतलब मित्र आदियों के साथ। वहाँ पे तीन लोग, एक ब्रह्मचारी, तृतीय बहुवचन है इनके साथ, तृतीय बहुवचन है। तो स ब्रह्मचारी भी अपने गुरुकुल में रहने वाले ब्रह्मचारियों के साथ, ठीक है ना। और ब्रह्मचारी में दूसरी जो कहते हैं मुमुक्षु भी, उनमें से जो मुक्त होने के लिए तीव्र प्रयास कर रहे हैं उन लोगों के साथ, अथवा ब्रह्मवादी भी गुरु के साथ कभी कभी बात करते हैं, है ना। इसको ब्रह्मवादी भी वाह सह सम्मात्र, उनके साथ सम्मत रूप से। ब्रह्मवादी एक आदमी है या बहुत आदमी? ब्रह्मवादी भी बोल रहे हैं, अभी भी वहाँ पे मतलब गुरु लोग अनेक, एक के लिए नहीं, मतलब अलग अलग ब्रह्मचारी अलग अलग गुरुकुल में इसलिए उतरते हैं। इसलिए सम्मंत्र उसका अर्थ करते हैं स्वकर्तव्य पर्यालोच्य। ये दो नंबर टिप्पणी मूल में भी हो सकते हैं, भाषण में कोई दिक्कत नहीं है। सम्मंत्र शब्द का अर्थ कर दिया स्वकर्तव्य पर्यालोच्य, मेरे को ये करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। इसलिए ना मुझे एक महाभारत में कथा आता है कि दुर्योधन को क्या हुआ था जब वो शीश महल में प्रवेश किया था, जहाँ पे जल नहीं है, उसको जल का पता चला, द्रौपदी हंस रही थी, इंद्रप्रस्थ में जहाँ पे जो नहीं है वहाँ पे वो समझ करके वो जो व्यवहार करना, ये उसका मतलब गूढ़ार्थ ही है। और जानने वाला व्यक्ति उसको देख कर के हंसता है, हंसने से कुरुक्षेत्र युद्ध होगा, ठीक है। मतलब सभी शब्दों का एक वाच्य तो होता है, एक लक्ष्य तो होता है। तो जब जो हंसने, उस हंसने का फलस्वरूप कुरुक्षेत्र युद्ध में द्रौपदी पार्ट नहीं लिया, वो तो पीछे रहा। तो मतलब आपका विवेक जब हंसेगा तब आपका सुवृत्ति और कुवृत्ति में लड़ाई चालू हो जाएगी। मतलब सुवृत्ति और कुवृत्ति, यही तो कुरुक्षेत्र का युद्ध निरंतर चल रहा है, यही चल रहा है, वो लड़ाई अपने आप होता ही रहेगा, है ना। और दुर्वृत्ति दुर्योधन, वो जहाँ जल नहीं है जल समझ करके जाते हैं, मतलब ये पकड़ने वाला वस्तु नहीं है, उसको पकड़ने के लिए जाते हैं, वहाँ गिरते हैं, वहाँ पर, और फिर क्या है, वो जो विवेक हंसता है और हंसने का फलस्वरूप फिर शुरुआत में लड़ाई शुरू होता है। सभी का वाच्यार्थ भी है, एक लक्ष्यार्थ भी है, आध्यात्मिक अधिभौतिक अधिदैविक तीनों लक्ष्यों का अर्थ कर सकते हैं। इस चीज को जो है इस चीज को पढ़ने के बाद आपको हर चीज में संख्या के हर वस्तु की स्पष्टीकरण आ जाएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ज्ञान ही होता है कि आपको जो है वस्तु को ठीक ठीक समझने का रास्ता खोल देगा। अब फिर टीका में आ जाइए, सर्वस्व नित्य मुक्तत्व निश्चया। वो ऐसा क्यों नहीं देखता, क्योंकि यहाँ पे तो सभी तो नित्य मुक्त है। यदि उसको कोई व्यक्ति दिखते भी है तो क्या दिखेगा, अरे आत्मा तो नित्य मुक्त है, बंधन तो है नहीं। इस प्रकार होने के कारण फिर जो आने वाले प्रयास किया, उससे बात किया, ये क्या लगेगा, अरे ये सब जो है ये हमारी एक सपना ही था, ये हमारे एक सपना ही था। ये अतः मुमुक्षुत्व श्रवणादि कर्तव्यता च भ्रांत एव इति आह। यहाँ पर रुकना ही जाना भाई, कि मतलब फिर जो है हमारा ज्ञान नहीं हो, ज्ञान के बाद की स्थिति है। इसीलिए वो ज्ञान जब जग गया व्यक्ति, वो जग गया व्यक्ति तब, तो इसलिए मुमुक्षुत्व, अरे मैं मुक्त कभी मुक्त हो, मुक्ति होना, मुक्त होना चाहता था, मुमुक्षुत्व जो भी धर्म फिर श्रवणादि कर्तव्यता, इसलिए क्या है श्रवण मन निधि दर्शन कर, इस प्रकार जो बुद्धि हुई थी ना, वो भ्रांति का ही महिमा थी। भ्रांतिया एव, भ्रांति से हुई थी, भ्रांत्या एव, भ्रांति से हुई थी। तब वो क्या करेगा, ज्ञान होने के बाद फिर क्या करेगा, ये तो प्रतिबुद्ध बोल रहे हैं, तो लाइफ तो चलाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे प्रवक्ता ने भगवान ने लिखा करेगा, कोई संकल्प नहीं करेगा,
100%, क्योंकि जो मन अमन हो गया मन कैसे संकल्प कर सकते हैं और प्रारब्ध का दृष्टा बन के रहेगा। वो जानते हैं कि शरीर के साथ ही हमारा संबंध नहीं है, प्रारब्ध से मेरा क्या संबंध है, और जब शरीर का मिथ्यात्व भी निश्चय हो जाएगा प्रारब्ध भी मिथ्यात्व ही है। यही चीज जो होता है तो ठीक है, व्यवहार अपने जगह पर चल रहे हैं, वो अपने अंदर की भाव तो ऐसे रहते हैं, लोग व्यवहार में ठीक है जिससे लोग व्यवहार करते हैं वैसे ही करेंगे, क्योंकि ज्ञान मतलब मूर्खता अथवा जड़ अथवा कोई बीमार नहीं होता, ज्ञान मतलब बहुत ठीक सूक्ष्म होता है। ज्ञान यदि आप जो बोलते हैं ज्ञान क्या है, ज्ञान से क्या समझते हैं, ज्ञान क्या वस्तु बोलते महाराज जी तो बोला ही नहीं जाता, पहला उत्तर यह है। दूसरा उत्तर क्या बोलेंगे, ये ज्ञान क्या है, आपका अज्ञान किसका है, अभी ये बताओ आपकी अज्ञान वस्तु जो है उसको प्रॉपर आइडिया नहीं है, जो प्रॉपर आइडिया है जो वस्तु ऐसे हम नहीं समझ पा रहे हैं, और अज्ञान किसकी है, किसकी अज्ञान के कारण हम एक जन्म मृत्यु के चक्र में घूमना पड़ रहे हैं, किसकी अज्ञान के कारण, आप ये बताओ, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, किस वस्तु के अज्ञान के कारण हमको जन्म मृत्यु के चक्र में घूमना पड़ रहा है, स्वरूप का अपनी स्वरूप का ज्ञान, तो ज्ञान क्या होगा, स्वरूप का स्वरूप है, ठीक है, ये इस विषय में कोई शंका, ज्ञान मतलब ये नहीं कि हम जागतिक वस्तु को जाना, वो अलग बात है, आप क्या ज्ञान मतलब जिसकी अज्ञान के कारण मुझे जन्म मृत्यु के चक्र में घूमना पड़ रहा है, शास्त्र बोलते हैं कि उस तुम्हारा जन्म मृत्यु का चक्र बंद हो जाए, तब क्या हो जाएगा उस मतलब अपने स्वरूप की, अब क्या भिन्नता हो जाएगा, अभी मैं अपने को क्या मानता था कि मैं एक मनुष्य हूँ, मैं संन्यास हूँ, अब आगे क्या मानूंगा, क्या क्या अनुभव होगा, मैं एक असंग पूर्ण चेतन महाराज। रामकृष्ण प्रधानमंत्री ने कहानी लिखा है, बोला एक आदमी का जेल हुआ था, वो पहले मुक्त था, जेल होने के बाद उसको बंदी होना पड़ा, तो फिर बोला जेल से आने के बाद वो क्या नाचते रहेगा क्या, बंधन अवस्था में जो हर चीज को देख करके माइंड मेंटल रिएक्शन होता था, फिर उसके साथ जो है एक मतलब इंटरेक्शन होता था, हम दुखी होते थे, वो नहीं है, वो नहीं है, वो अपने अंदर से बिल्कुल शांत, कोई भी परिस्थिति आएगा उसमें एक्सेप्टेंस रहेगा, हाँ ये हो सकता है, कोई प्रतिकार की चेष्टा नहीं करेगा, अन्वय देख से बोलेगा परंतु करने वाला वो नहीं होगा, अपने शरीर के लिए कुछ भी प्रतिकार के जब प्रारब्ध में जो है बैठा रहता है। रमन महर्षि कितना बार बोला था परंतु जिस समय लोगों ने तैयार सोचा कि नहीं, बोले उसी दिन दूसरे दिन सुबह होता शरीर बोला, कितना साल में 88 लेकिन साधन महाराज आवड़े रामकृष्ण प्रधानमंत्री में है जो कुछ आदमी शेष टाइम बनारस से आया, जैसे ही आया रामकृष्ण पूछा त्रिलिंग स्वामी कैसे है, वो आदमी जवाब दिया जे आदमी लोग बोल रहे हैं जे अभी शक्ति चला गया, अभी उसका वो पावर नहीं है, तुरंत बोला वो मूर्ख आदमी लोग बोल रहे हैं, वो जो अवस्था एक बार लाभ करने से जाने वाला नहीं है, वो चूक भूलना नहीं था कि आजकल वो कुछ दिखा नहीं पाता है, हाँ यही है, वो पहले क्या है लोग आते थे, लोग करुणा से किसी किसी का कुछ हित कर देते, फिर समझ जाते हैं कि अरे इससे संसार का समस्या समाधान होने वाला नहीं है, कितने महापुरुष संसार में आए गए, संसार अपने ही गति से चलता रहता है, बस अपने को शांत भाव में रखते हैं, फिर उनका एक एक सांस प्रश्वास पूरा सृष्टि के हित के लिए होता है, कोई ज्ञानी महापुरुष के एक एक सांस प्रश्वास पूरा सृष्टि के विलक्षण लोग होते हैं, पूरा सृष्टि के साथ वो मनुष्य को नहीं देखता, कीट पतंग कीड़ा जानते हैं सभी के हित के लिए, इसलिए आगे जो अत मुमुक्षुत्तम श्रवणादि कर्तव्यता च भ्रांत एव इति आह। अब जो श्लोक में आप यहाँ पर श्लोक का प्रतीक दे रहे हैं, ठीक है, तब बोलते हैं मित्रादि सह संबंध संबुद्ध न प्रपद्यते और भीतम चापि यत् किंचित् प्रतिबुद्ध न पश्यति, ठीक है, अब देखिए टीका में और बोलते हैं किंच स्वप्नवत एव गृहीतम उपदेश आदि विद्वान न पश्यति तत्सद्ध फल अभावात इति आह, ठीक है, कितना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है इसका, खूब मतलब निकासा नहीं है इस बात को बोलना, जिस प्रकार किंच स्वप्नवत स्वप्न के सामान्य एव गृहीतम उपदेश आदि गुरुमुख से जो उपदेश आदि सुना था श्रवण मनन किया था ये भी उनके सामने स्वप्न जैसे ही हो जाता है, विद्वान न पश्यति, ज्ञान होने के बाद ज्ञान से पहले नहीं
वेदना न पश्यते, क्यों? तत् शब्द फल अभावा, क्यों? मतलब उस श्रवण मनन के जो फल है उससे मैं मुक्त हुआ, ये ऐसा नहीं है। तत् शब्द फल अभावा, गुरु मुख से उपदेश सुन करके चित्त विचार करके मैं मुक्त, ये बात नहीं है। वो जो मैं बंधन में अपना सोचा था वो चला गया, मुक्ति तो हमारे पहले से। वो जो गलत चिंता मन में थी, उपदेश को तो सम्मान करना, बिल्कुल सम्मान करना चाहिए। मतलब तो कितना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है यहाँ पे देखिए, जब सच्चाई का अनुभव हो जाता है, मतलब इसका ये नहीं मना करते हैं, तो सम्मान शंकराचार्य भी किए हैं, नहीं तो गौर पदाचार्य के लिए ऐसे क्यों लिखेंगे? हाँ, पाते न तो अश्मी, परंतु कह रहे हैं कि भाव अंदर का कह रहे थे, अरे ये सब जो है भगवान ये भी बोलते हैं ईश्वर के वह गुरु कृपा से ही होते हैं, हम उसको अस्वीकार नहीं करते हैं, परंतु पारमर्थ्य क्या है? मुक्त तो हम पहले से थे, मुक्त तो पहले से थे, इसलिए बोलते हैं कि स्वप्नवत एवं गृहित उपदेश, स्वप्नों के समान ही जैसा मित्र से मुझे कुछ मिला, मतलब मेरे को ये कहा, वो भी जैसा जगने के बाद हमें सच नहीं लगता, इसी प्रकार जब आत्मा की तरफ हम जग जाते हैं, आत्मज्ञान होता है, विज्ञान, तब साध्य फल अभाव, तब श्रवण गुरु उपदेश श्रवण मन, इसका साध्य से इससे सिद्ध हुआ जो फल, वो नहीं है, वो मुक्ति वो नहीं है, मुक्ति पहले से विद्यमान था, ये अभिप्राय से बोल रहे हैं। गृहितम च पेजत किंचित है ना, जो भी कुछ हमें वहाँ पे गृहित हुआ ना, प्रतिबुद्ध न पश्यति, स्वप्न अवस्था में जो भी चीज हमें किसी मित्र से किसी व्यक्ति से मिला हुआ था, उठने के बाद मुझे वो नहीं मिलती, मैं नित्य मुक्त नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हूँ, इसे कहीं यहाँ पे कुछ नया चीज उत्पन्न नहीं हुआ, वो तो मैं भ्रांति से उसको ये होगा। हाँ देखो, इस प्रकार स्वप्न दृष्टा पुरुष सामने एक वस्तु सारा मिलता है, परंतु मैं स्वप्न देखा था ये मिथ्या नहीं है, कि नहीं? मैं स्वप्न देखा था, मिथ्या नहीं है, स्वप्न में देखा, इसी प्रकार मैं गुरु को उपदेश प्राप्त किया था कभी, ये मिथ्या नहीं, ये भाव भूल नहीं जाएगा, परंतु उसको उपदेश की कोई उपयोगिता नहीं जाएगा, क्यों? मैं नित्य मुक्त हूँ, मैं नित्य मुक्त, इस अभिप्राय। अथवा देखिए दूसरा गुरु, अथवा लोक दृष्टा जब किंचित गृहतम वस्त्र अन्न उदकादि तद विद्या नैव किंचित करोमीति प्रतिबुद्ध अन्न प्रत्यय बाधा न स्वसंबंधित अधिगच्छति। अथवा लोक दृष्टि से, लोक दृष्टि क्या होता है, किसी ने मेरे को अन्न दिया, किसी ने मेरे को वस्त्र दिया, ये सब देखते हैं, मैं उसको ग्रहण भी करता हूँ, परंतु उनके अपने दृष्टि से क्या होता है, नैव किंचित करोमीति युक्त मन्ये तत्त्वतः, भगवान श्री कृष्ण के पास नहीं, लोक दृष्टि से क्या दिखाई दे रहा है, ज्ञान तो ले रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सब कुछ कर रहे हैं, परंतु उनका अंदर भाव अपना भाव क्या है, नैव किंचित करोमीति युक्त मन्ये तत्त्वतः। देखिए तत्त्वविद शब्द प्रयोग यहाँ पे, तत्त्वविद होने के बाद ये स्थिति है, लोक व्यवहार में दिखेगा, शरीर व्यवहार कर रहे हैं, लोग को भी दिखेगा जो व्यवहार कर रहे हैं, मतलब अपने दृष्टि में क्या है, इसीलिए तो आगामी कर्म के साथ संचित कर्म जला देते हैं, आगामी कर्म के साथ संबंध नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि कर्म तो शरीर से होता है, शरीर से तादात्म्य नहीं रह जाता, प्रारब्ध भोग से क्षय होगा, अज्ञानी को समझाने के लिए, ज्ञानी की दृष्टि प्रारब्ध भी ज्ञान के साथ ही जाता है, प्रारब्ध भी ज्ञान के साथ ही चला जाता है। दशरथ की तीन पत्नी है, दशरथ मर गए तो दो तो विधवा हो गई और एक सुमंगली रह गई, हो सकता है क्या, संचित कर्म और क्रियमान कर्म तो जल जाएगा और प्रारब्ध कर्म रह जाएगा, ये भी नहीं होगा। तो भगवान रमन मर्ष इसलिए तो बोलते हैं, ज्ञानी का जो चरम ज्ञानी है उसका प्रारब्ध भी खत्म हो जाता है, बिल्कुल शिरोमणि का अंतिम में देखना क्या सुंदर भगवान भाष्य का लिख रहे हैं, ये जो तुम प्रारब्ध प्रारब्ध बोले किसका प्रारब्ध है, यदि शरीर के मिथ्या तो निश्चय हो जाएगा तो प्रारब्ध भी मिथ्या निश्चय, कैंसर में भोगना पड़ा ये तो आप कौन भोगा, शरीर भोगा उसका दृष्टा है और मन को उसका कष्ट, मन बुद्धि में उसका वेदना भी हो रहा, मैं फिर भी उसका दुष्ट हूँ, आत्मा के साथ उसका ये दृढ़ निश्चय होना चाहिए, ठीक है हाँ, आपको कष्ट नहीं होगा अथवा उसका अभिव्यक्त तो नहीं करेंगे, सारा कष्ट अभिव्यक्ति सबका ही मैं दृष्ट हूँ। मेरे को बुखार हुआ था, बुखार में मैं कुआ कर रहा था, जब अच्छा हो जाता है व्यक्ति तब क्या बोलते, अरे हंसता है अपने आप, शरीर तो ऐसे ही है, मैं बुखार क्यों कर रहा था, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है,
तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अथवा लोक दृष्टि, अथवा लोक के लोक दृष्टि से, व्यावहारिक दृष्टि से जत किंचित भीतम, लोग से कुछ भी लेता है देता है, भीतम वस्त्र अन्न उदक आदि है ना, अन्न वस्त्र वासस्थान के लिए तद विद्या नहीं बकिंचित, वो ज्ञानी पुरुष नहीं बकिंचित कर्म है जो इस प्रकार से ग्रहण करते हैं। इति प्रतिबुद्ध, इस प्रकार जगने वाला व्यक्ति अन्न प्रत्यय बात है, प्रतिबुद्ध मतलब वो जो उसको पहले होता था वो जागने, जिस प्रकार सामनिक वस्तु जागृत प्रत्यय के द्वारा बाधित हो जाने के कारण, इसी प्रकार जो है वो जो भी ग्रहण हो रहा है वो उसका आत्मबुद्धि के द्वारा बाधित हो जाने के कारण न सम्बंधित तेन अधिकार, इसके साथ मेरा संबंध है ऐसा उसका कभी अनुभव ही नहीं होगा। न सम्बंधित तेन अधिकति, इसके साथ मेरा संबंध है इस प्रकार का बुद्धि कभी नहीं उत्पन्न होता। मैंने जो बोला ना कि आपको एक समय लगेगा अपना ही बॉडी थर्ड पर्सन हो गया, जिसको अभी हम फर्स्ट पर्सन रूप में सोच रहे हैं, इट विल बिकम एक्जैक्टली थर्ड पर्सन। पंचम अध्याय का 8-9 नंबर श्लोक का श्लोक, 8-9 नंबर श्लोक महाराज, आनंद महिमा कभी आप करके नहीं, हम करके नहीं बोलता, एक मेटी इस लड़की, इस लड़की का, इस लड़की, इस लड़की का बीमार हुआ था, ऐसे अपने अपने को अपने वो हर टाइम मतलब कभी नहीं बोलता जी, इस लड़की का की तो बिल्कुल शब्द जब सुनते हैं कोई बोलते हैं कि इस शरीर को तो वैसे लड़की को इस शरीर को ऐसा करके ऐसा करके। अब क्या हो गया कि यहाँ पे देखिए 9-10-11 तीन टिप्पणी है, मैंने ऊपर से टिप्पणी नहीं पढ़ा कुछ ना, विद्वान गृहीत उपदेशादि स्मरण अभाववान तत्साध्य फल अदर्शनात्व अदर्शित्व, ठीक है, विद्वान जो भी कुछ उपदेश ग्रहण हुआ था गृहीत उपदेशादि स्मरण अभाववान, उसका स्मरण के अभाव वाला हो जाता है, क्यों तत्सत्व फल अदर्शित्व, क्योंकि वो श्रवण मनन के द्वारा साध्य जो फल था उसको नहीं देखता, वो श्रवण मनन साध्य नहीं देखता, तो नित्य सिद्ध वस्तु है, इसलिए बोलता है तत्सत्व फल अदर्शित्व। दृष्टांत दे रहे हैं स्वप्न गृहीत उपदेश आदि अस्मर्तृ देवदत्वादिवत, स्वप्न में ग्रहण हुआ जो उपदेश आदि उसको स्मरण नहीं करने वाला देवदत्वादि के समान, संस्कृत को थोड़ा समझना है, विद्वान न उसका विद्वान है ना, ये हो गया आपका पक्ष, गृहित उपदेशादि स्मरण अभाववान, ये हो गया आपका साध्य, दोनों प्रथम नवीन सिंगल है, क्यों तत्साध्य फल अदर्शित्व, मतलब उपदेश से अनुकूल आचरण करके जो फल प्राप्त करते हैं उस फल को वो नहीं दिखता, ये तो हो गया बिल्कुल सही है, ये तो हो गया। अब दृष्टांत दे रहा है स्वप्न गृहित उपदेश आदि अस्मर्तृ, स्वप्न में गृहित उपदेश आदि को नहीं स्मरण करने वाला देवदत्त के समान, दृष्टांत पूरा मिलकर जिस प्रकार स्वप्न में जो भी कुछ उपदेश आपने मैंने किसी ने कुछ कहा था उसको नहीं स्मरण करने वाला जागृत काल में उसको नहीं स्मरण करने वाला देवदत्त के समान, ये दृष्टांत हो गया। स्वप्न में जो भी कोई व्यक्ति अथवा वस्तु मैंने को उपदेश दिए थे जागने के बाद उसको स्मरण नहीं करने वाला देवदत्त के समान, ये विद्वान पुरुष भी अज्ञान काल में जो भी कुछ उपदेश ग्रहण किया था उसको स्मरण करने वाला नहीं। ये बोलता है विद्वान न पश्यति, हो गया हमारा 8 नंबर टिप्पणी। उसके बाद अथवा लोक दृष्टा जत किंचित गृहीतम वस्त्र अन्न उदक आदि तद विद्वान, 9 नंबर टिप्पणी, तद कंप्लीट नहीं हुआ, स्वप्न गृहित करना चाहिए। विद्वान न अभ्यस्यति भाव, क्या बोल रहा है यहाँ पे, जो विद्वान जो है ना उसका फिर अभ्यास नहीं करता, ज्ञान होने के बाद फिर उसका अभ्यास नहीं करता, विद्वान न अभ्यस्यति है ना, विद्वान जो है ज्ञान, जब आपने भगवान भाष्यकर भी लिखते हैं कोई व्यक्ति नाव के द्वारा नदी पार होने के बाद नौका को अपने कंधे में उठा के नहीं ले जाता, उसको ही छोड़ देता है, उसको ही छोड़ देता है, अच्छा करते विद्वान, विद्वान इसको भी अभ्यास नहीं करता है ना, ये अभ्यास कहाँ पर करेगा, उपासना आदि में तो चाहिए अभ्यास, ज्ञान फिर अभ्यास नहीं होता, ये इसका अंदर भाव है। फिर 9 नंबर टिप्पणी में बोलते हैं विद्वान तक विद्वान नहीं बहती, विद्वान गृहित वस्त्रादि विषयक स्वसंबंधित दर्शन अभाववान, नंबर यह है विद्वान
गृहीत वस्त्रादि विषय विद्वान पक्ष विद्वान पक्ष है गृहित वस्त्रादि विषय सम्बंधित दर्शन अभाववान है ना, जो भी कुछ वस्त्र आदि विषय उसको ग्रहण किया उसके साथ अपने संबंध देखने का संबंध को देखने का अभाव आना होगा मिलके साध्य होगा ये साध्य होगा क्यों स्वभिन्नतेन तद्दर्शित्व अभावा स्वभिन्नतेन तद्दर्शित्व अभावा है ना, तो क्योंकि स्वभिन्न स्वभिन्नतेन तद्दर्शित्व अभावा वित्तान गृहित वस्त्रादि विषय स्व संबंधी संबंध दर्शन अभाववान ये हेतु के साथ स्वभिन्न तद्दर्शित्व अभाव नहीं दर्शित्व अभाव हो गया तद्भिन्न 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 तेन तद्दर्शित अभाव मतलब अपने से भिन्न करके नहीं देखता कुछ अपने से भिन्न करके संशय भिन्न वस्तु से व्यवहार होता है ठीक है ना, अपने से भिन्न करके नहीं देखने के कारण ये अभिप्राय है व्यतिरेके व्यतिरेक स्वसंबंधित तेन घटादि दर्शित दर्शी देवदत्वादि दृष्टांत व्यतिरेक दृष्टांत दिया क्योंकि व्यवहार में क्योंकि आपका अन्य दृष्टांत नहीं हो सकता दृष्टांत वो जो वहाँ पे दिया ना कि एक दृष्टांत दिया स्वभिन्न तेन तद्दर्शित अभाव मतलब अपने से किसी वस्तु को भिन्न रूप में नहीं देखने के कारण व्यतिरेक में क्या होता है कोई किस वस्तु का हम ग्रहण करते हैं जिस वस्तु का हम अपने से भिन्न देखते हैं ठीक है ना उसे ग्रहण होता है इसलिए बोलता है व्यतिरिक्त दृष्टांत दे रहे स्वसंबंधित तेन है ना घटादि दर्शी देवदत्तादि व्यतिरिक्त क्या है वो ये मेरा है जिसके साथ मैं संबंध करता हूँ वो मुझसे भिन्न होता है अब जब भिन्न रूप में आपने देखने लग जाएगा तब वहाँ पे तो व्यवहार होगा जब अभिन्न हो जाएगा तब कोई व्यवहार नहीं होता है सभी अभिप्राय इसलिए बोलते हैं स्वसंबंधित तेन घटादि दर्शी देवदत्वाधिपत इति अभिप्राय अभि अभिमत प्रयोग अत्र दृष्टव्य इस प्रकार की कोई अनुमान से आप इसको समझ सकते हैं इस प्रकार की अनुमान से ये समझना चाहिए प्रतिबुद्ध मतलब निश्चयवान प्रतिबुद्ध अन्न प्रत्यय बाधात अन्न प्रत्यय बाधात इति द्वैत दर्शनस्य अभावात अप्रामाण्य निश्चयात वा इति अर्थ अन्न मतलब द्वैत दर्शन के अभाव हो जाने के कारण और अप्रामाण्य निश्चयात मतलब वो प्रमाण के द्वारा मैं उसका निश्चय नहीं किया था इस कारण से वा अप्रामाण्य निश्चय जो मैं देखा था ये प्रामाणिक नहीं था मतलब जिस प्रकार मैं सर्प को देखा था इसलिए मधुसूदन सरस्वती बोलता मैं दिखाई नहीं उसको देखते तो भ्रांति नहीं होती जो आया कहाँ पे जब पश्यति सब पश्यति मतलब जो ऐसा देखते हैं वो ठीक देखते हैं मतलब अब देखा नहीं ठीक से उसको देखने से भ्रांति नहीं होती इसलिए हमें बोलते हैं द्वैत दर्शनस्य अभाव अप्रामाण्य निश्चय द्वैत दर्शन की अभाव होने के ये अथवा क्या है कि उसकी प्रामाणिकता अप्रामाणिकता अप्रामाण्य निश्चय उसका अप्रामाणिकता की निश्चय हो जाने के कारण फिर आप उस पर तादात्म्य नहीं करते आगे एक ही लाइन है तेन तद आभास मात्र इसलिए वो जो भी कुछ ग्रहण हुआ था उपदेश बोलो वस्तु बोलो द्रव्य बोलो एक आभास मात्र ही था इसलिए बोलते हैं गृहीतम चापि यत् किंचित् प्रतिबुद्ध न पश्यति भाष्य में भी देख सकते हैं इसका को क्योंकि ये प्रतीक जो है श्लोक का ही होगा उक्तम अर्थम विवक्षित श्लोक अक्षरानी जो दे इस अर्थ को मन में रखते हुए श्लोक के अक्षर भगवान भाष्यकार योजना करते हैं है ना मित्र आदि सह सम्मंत्र मतलब मित्र आदि के साथ सम्मुख रूप से आलोचना करके तदेव मंत्र न उसी प्रकार जो भी कुछ आलोचना किया था जो भी कुछ विचार किया था प्रतिबुद्ध न प्रपद्यते जगा हुआ व्यक्ति उसको नहीं देखते नहीं समझ में आता उसको और क्या गृहितम च यत् किंचित और जो भी कुछ वस्तु वहाँ पे ग्रहण हुआ था क्या हिरण्य आदि है ना सोना बोलो चांदी बोलो कुछ भी बोलो उपदेश बोलो वो भी उसको प्राप्त नहीं होता अतश्च न देशांतरम गच्छति स्वप्न इसीलिए वो स्वप्न में कोई देशांतर में जाकर के कालांतर में लोकांतर में जाकर के स्वप्न देखता ये बात नहीं है ठीक है ना उक्तम अर्थम विवक्षित इस अर्थ को मन में रखते श्लोक अक्षरानी जो एक श्लोक के अक्षर को भगवान भाष्यकार अर्थ करते मित्र ठीक है समय अधिक हो गया आज कौन सा होगा लास्ट वाला दूसरा तीसरा वाला लास्ट वाला भाषा प्रतिहतिमोहांधकारो मज्जोरे उपजनोदन्वती त्राशने में
यत्पादावासितानां श्रुतिसमभिनयः प्राप्तिरग्राह्यमोघा तत्पादौ पावनीयो भवभयमदौ सर्वभावैः नमस्ते। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णश्च पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरमामेवि मूर्तिभेदविभागिने व्योमव्याप्तदेहाय नारायणं पद्मभवं वशिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतास्तशिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्त पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं अस्मात् गुरो सन्ततमानतोऽस्मि स्तुति स्मृतिरुणानापालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बालरायणं सुरभाषरुतमन्ये भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो नारायणेति भेदविभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अशुभानि निराचष्टे प्रणोति शुभसंसतिं स्मृतिमात्रेण जत्पुंसां ब्रह्मणं मङ्गलं परम् अतिकल्याणरूपत्वात् नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मृतीनां वरदत्ताश्च ब्रह्मतन्मङ्गलं विदुः ओङ्कारश्चार्थशब्दश्च दावेतौ ब्रह्मणौ पुरा कण्ठभेदा विनिर्जातौ तस्मात् माङ्गलिकाभौ तस्मात् माङ्गलिकाभाविति यैरिमे गुरुभिः पूर्वं पदवाक्यप्रमाणतः व्याख्याता सर्ववेदान्ता सन्निक्तं नतोऽस्मि नमः। ॐ नमः पार्वतीपतये हर महामहे। तो 8 मई तक की छुट्टी 8th मई तक लंबा हो गया, बहुत ही लंबा हो गया। पहले तो 15 दिन 10